नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शंकरलाल चक्रवर्ती के बारे में। तो ईशमलेफसी मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया इनके ऊपर, तो फुल डिटेल्स में बात करूंगा शंकरलाल चक्रवर्ती को लेकर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में अगर बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड डेली अपडेट आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट, जैसे कि आप जानते हो, अगले सीजन का तैयारी शुरू कर दिया है और खासकर CFL, सुपर कप, डूरंड कप, IFSL इन जैसी टूर्नामेंट्स लीग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रही है और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा 8 से 9 लोकल बंगाली खिलाड़ियों को ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने पहले ही प्री कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया है। तो ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही है इन सारी टूर्नामेंट्स के लिए। और दोस्तों, इन सारी टूर्नामेंट्स में कोई बंगाल का ही कोच होगा। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल नाम सुना जा रहा है शंकरलाल चक्रवर्ती का। तो दोस्तों, शंकरलाल चक्रवर्ती ने मोहन बगान को कोचिंग करवाया है और असिस्टेंट कोच के रूप में काम किया है 2014 से लेकर 2018 तक, और 2018 में CFL में हेड कोच रह चुके हैं शंकरलाल चक्रवर्ती मोहन बगान के लिए, और फिलहाल मोहम्मदन SC के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, सुना जा रहा है कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट IFSL, डूरंड कप, सुपर कप के लिए और IFSL के लिए शंकरलाल चक्रवर्ती को हेड कोच बना सकती है। तो दोस्तों, शंकरलाल चक्रवर्ती को लेकर और भी अगर बात किया जाए तो इन्होंने भवानीपुर FC क्लब को कोचिंग करवाया है, मोहम्मदन को कोचिंग करवाया है और साथ ही मोहन बगान को आई लीग और CFL में भी कोचिंग करवाया है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है शंकरलाल चक्रवर्ती के पास और फिलहाल इनके पास AFC लाइसेंस है और जल्द ही AFC प्रो लाइसेंस कोच बन जाएंगे शंकरलाल चक्रवर्ती, और हो सकता है ईस्ट बंगाल FC डूरंड कप, IFSL टूर्नामेंट्स को ख़त्म करने के बाद इनको इंडियन सुपर लीग में, जब ईस्ट बंगाल FC तीसरी बार खेलेगी, तो शंकरलाल चक्रवर्ती को असिस्टेंट कोच बना दे, बहुत ज़्यादा चांस है। और ईस्ट बंगाल FC मैनेजमेंट की तरफ से अभी फ़िलहाल यही अपडेट आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे कोच है शंकरलाल चक्रवर्ती। आपका क्या कहना है शंकरलाल चक्रवर्ती के बारे में, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।